तुसी जुड़े हो हलचल टीवी कनेडा नाल, मैं हाँ तुहाडा दोस्त तरमवीर गिल लाली। अज अमृतसर के इस तरह के तुहानू एक नौजवान नाल मिलाउण जा रहे हैं जिस दियां ट्रेन हादसे दे विच दोनों लत्तां चलियां गईयां, पर उसने बुलंदियां सूईयां ने अपनी मेहनत नाल। सो वीर अबलू रजेश जी साडे नाल ने, गलबात करदे आ। अबलू जी, पहलां जी आइयां नूं जी, तुहाडा हलचल टीवी कनेडा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अबलू जी, मैनूं इह दस्सो की हादसा होया सी, किस तरह इह दर्दनाक हादसे विच तुहाडियां दोनों लत्तां जी। मेरा नाम अबलू राजेश कुमार है, मैं अमृतसर का रहने वाला। यह हादसा ट्रेन एक्सीडेंट होया ही मेरा 1 मई नूं बर्थडे वाले दिन, उस दिन मेरा जन्मदिन हुंदा है। उस दिन मेरा ट्रेन एक्सीडेंट होया सी, मैं रेलवे स्टेशन से किसी नूं लैन गया सी, फैमिली से कोई मैंबर आया तो मैं जाके रेलवे स्टेशन, थोड़ी जगह ट्रैक हुंदे ने बहुत सारे, तो मैं उत्थे जाके खड़ा हो गया। तो मैं कहा मैं इस साइड तो जाना, लेकिन ट्रेन आ रही सी, लेकिन मैं जिस ट्रैक से उत्थों ट्रेन आ रही सी, जी मैं दूसरे ट्रैक पर गया मेरे पिछों ट्रेन आ गई, तो ट्रेन ने मैनूं ए वाली अख ते मारिया। उस तो बाद ट्रेन मैं डिग पिया, ट्रेन चलती गई, मैं थले घूमता गया ट्रेन उत्थे मेरा राइट वाला पाँव उत्थे कट्टिया गया, तो लैफ्ट वाला मेरा पहिए दे विच फस गया, जिहड़ा कुचलिया गया वह डॉक्टर ने कट्टा। जो ट्रेन पूरी लंघ गई तो मैनू लोग बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक लड़का थले आ गया, तो ये साह चल रहे, मेरे साह चलते पे ही, तो उन्होंने मैंने एक बोरी विच पाया, पैक किया, तो हॉस्पिटल लै गए। हॉस्पिटल जाके जो उन्होंने डॉक्टर ने देखा कि साह चल रहे, मैं डॉक्टर के आप बचा नहीं सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर ने कोशिश की, कोशिश लाइक मेरी फैमिली फैमिली दसदी है कि 8 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो सवेर तक ऑपरेशन कंटिन्यू चलिया, 4 बजे जाके ऑपरेशन खत्म होया, तो डॉक्टर ने मेरी जान बचा ली, लेकिन मैनू 2 दिन बाद होश आई। अबलू जी, मैंने ये दसो उम्र किन्नी सी तुहाडी उस टाइम, क्योंकि रेल हादसे दे विच तुसी दोनों लत्तां तुहाडियां चली गईयां, उम्र किन्नी सी? मैं उदो 14 साल का सी, 14 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट होया। जदों तुहानूं पता चलिया कि तुहाडियां दोनों लत्तां नहीं है तुहाडे नाल, तुहाडा फस्ट रिएक्शन किस तरह का सी? क्योंकि जदों होश आई है तुहानूं, बेहोशी दे विच रहे तुसी दस रहे हो, फस्ट रिएक्शन की सी? फस्ट रिएक्शन जदों 14 साल की उम्र ना इंसान ज़्यादा वड्डा होंदा ना बच्चा होंदा, तो उदों अपने फ्यूचर के बारे सोचना शुरू करता, तो एकदम जदों तुसीं देखते हो कि डॉक्टर ने मेरी, जदों मैं सवेरे उठिया तो डॉक्टर ने एकदम मेरी शीट बैडशीट चुकी, तो देखिया कि मेरी लत्त ही नहीं गए दोवे, जो चादर उन्हें साइड से की, तो मैं क्या ए की हो गया मेरे नाल, कि मैंने इन्ना ही एक्सीडेंट हो गया, पर मैंने सी ऑपरेशन बाद लत्त जोड़ देंगे, इन्ना क माइंड चल रहा है। लेकिन उस टाइम मैं बेहोश हो गया, फिर मैनू दिमाग खराब, कभी कुछ चल रहा, कभी दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता, ब्लैंक हो जाता, कभी 36 सवाल 36 गल्लां पुरानिया नवी, कुछ समझ नहीं आ रहा, फैमिली पूरी तरीके परेशान हो चुकी, सब कुछ खत्म हो चुका है। इंज लगता है कि पूरी जिंदगी मेरी एक बैठते बीतनी, 4 पाई थी, मैं पूरी जिंदगी बितानी पैनी है। लेकिन जो मैं पता लगा कि टाइम बीतता गया, पता लगा कि टाइम ना ठीक हो जाते हैं, मैंने क्या मेरे पैर के कट्टे गए, टाइम बीतता गया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीते, तो उस तो बाद मैं नकली लत्तां लगियां, जो कि मेरी मम्मा ने अपनी वालियां वेच के लक्कड़ दी लत्तां लगवा के दित्तियां एक्सीडेंट तो बाद। फिर हौली हौली मैं डांस स्टार्ट किया, मैं चलना स्टार्ट किया, मैं हौली हौली चलिया, तो मैं डॉक्टर ने कहा तुहानूं विसाखियां फड़नियां पैनियां, मैं कहा नहीं विसाखियां नहीं मैं फड़ांगा, मैं इससे नॉर्मल चलांगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं विसाखियां बेटा तुहानूं फड़नियां पैनगियां, लेकिन मैं विसाखियां फड़ियां नहीं, मेरी फैमिली ने मैनूं अपने हत्थां ते फड़ फड़ के चलाया, तो जो मैं चलना स्टार्ट किया तो फिर मैनू चलना तो आ गया, लेकिन मेरा मन से कि मैं नवा कुछ करा, नवा मैं कुछ की कर सकता, तो मैनू सीगा कि डांस, मेरी फैमिली रिएक्शन थी कि तू डांस करेगा लाइक डांस, डैडी कहते डांस वो किमें करेगा, अगे आप इन्नी मुश्किल तेन नकली लत्त लगवा के दतिया, मैं क्या नहीं मैं डांस कराँगा, मैं डांस करके दिखावगा। फिर मैं पंकज सर को गया, उ मैं डांस करना स्टार्ट किया, मैं पंकज सर ने कहा मैं डांस करना है, तो वो कहते हाँ करो डांस, तो नॉर्मल बच्चे वांगू, लेकिन मैं क्या सर मेरी दोवें लत्त नहीं गया दोवें, मैं हाँ सर मेरी लत्त नहीं गया, फिर उन्होंने कहा कोई गल नहीं तू डांस कर, उन्होंने को मैं 4 साल डांस सीखा, उन्होंने को डांस करता गया, अज मैं फ्री डांस सीख के फ्री डांस बच्चों सिखा रहा। परिवार ने मना नहीं किया कि लत्त नहीं है, डुप्लीकेट लत्त ने, डांस लाइन ना ना चुनो, तुम परिवार वालों मना ही नहीं की? पापा मम्मा ने सपोर्ट किया, पापा ने मना किया, मैं झूठ नहीं बोला, पापा कहते ना कर कि आड़ी, क्योंकि पापा कले कमाने वाले से, पापा 63 ईयर के हो गए ने, उदो पापा काम भी करते ही, तो हलवाई का काम करते, हूँ आप पांच भैन भरा, तो हूँ मैं 2 सिस्टर की आड़ी मैरिज हो गई है, तो ब्रदर है मेरा एक, वो साढ़े तो 2013 ही अलग हो गया से, वो साढ़े नाल ही रहा, तो मैं वहाँ मेरी छोटी सिस्टर है, वो हजे मैं मैरिज करनी है छोटी सिस्टर की, तो रिएक्शन यही सी कि तू डांस करेगा, डांस किस तरह करेगा तू, तेरे लत्त ही नहीं गया दोवें, तो फिर भी फैमिली सपोर्ट मिलती गई धीरे धीरे, पापा ने समझ आता गया कि डांस की वजह ने यह चल रहा, सोशल मीडिया से मैं डांस की वजह ने फेमस होया, तो अच्छी सारे मैं देख रहे हो।
जी जी मैंने दसो परिवार ने तो चलो मनाई भी की बहुत सारे ने साथ भी दिता जेडे तुहाडे नेड़े रहन वाले आंढी गुआंढी ने तुहाडे सज्जन बेली सी उन्हां दा की रिएक्शन सी जो तुसीं डांस लाइन च नहीं डांस लाइन च देखो जो मैं चलिया मेरी पब्लिसिटी आनी स्टार्ट हुई मैं लोगों पता लगा कि तू तेरी वीडियो इन्नी वायरल होगी तुम्हें इन्ने लोग पसंद कर रहे तेरी वीडियो बाहर देश विदेश लोग पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया से मेरे फॉलोअर्स बनने शुरू हो गए मैं बॉलीवुड स्टार ही पहुँच जाए जैसे नेहा कक्कर सोनू सूद अश्वासी काफ़ी टोनी एमी विरक टोनी भाई सारे ने मैंने रीपोस्टा दिखाया मेरी वीडियो अपने पेज से पाते ही तो लोग वेखते ही सारे कि हाँ अबलू की वीडियो चल रही है तो अच्छू काफ़ी पॉजिटिव लोग की भी मिलते नैगेटिव भी मिलते हैं कि तू डांस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा कोई काम कर लै तो कई कहने नहीं तू बहुत वधिया कर रहा तो मैं लोगों की गलों वाल ध्यान नहीं दिता मैं सिर्फ अपना काम करता अपना 110% देने की कोशिश करता मैं ये दसो बबलू जी जो फस्ट तू रियलिटी शो मिलया जी की रिएक्शन जी किस तरह के मन के विचार आए मुंबई गए हो तुम किस तरह का सफर रहा सर फर्स्ट रियलिटी शो मैं डांस के नाल ही कर चुका है मैं एक ऑडिशन दिता ही तो मैं अमृतसर तो दिल्ली तो बॉम्बे तो सलमान सर आए थे सलमान सर मेरा टीवी से टैलीकास्ट हो प्रॉपर तो सलमान सर मैं मिले भी सी उदो मेरे को फोन नहीं सी इन्नी समझ नहीं सी उन्नी कि मैं परफॉर्म किया परफॉर्म करके घर आ गया बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि सलमान सर टच विच आ मैं जो कि मेरी और सर की उन्नी की मीटिंग हुई सी उस तो बाद फिनिश ना मैं सर का नंबर लिया ना सर सलमान सर का उन्होंने मैंने कहा कि मेरे ना गल करी बैक स्टेज लेकिन मैं शर्मा गया छोटा ही कला सी ते बस उन्हें कि डांस होया ते बस उस तो बाद हूँ मैं आके सोशल मीडिया से आया उस तो बाद चाइना ऐप जो गए थे उदो मैं उन्होंने वीडियो बनाता सी मेरी वीडियो 47 मिलियन च गई फिर मैंने नच बली जाने का मौका मिला जिसे प्रिंस यूविका ने मैं परफॉर्म किया नच बली प्रिंस यूविका ही विनर हो गए अजय जी मैंने ये दसो दिनचर्या कैसे शुरू होता क्योंकि तुम डांस बहुत वधिया कर रहे थे वीडियो देखी तो बहुत वधिया नच रहे थे दलजीत भाजी के गीत के उपर कैसे दिनचर्या शुरू होता पहला दलजीत भाजी मेरे फेवरेट ने दूसरा दिन पहले वांगू ही रखा मैं पहला मैं मंदिर जाता सी एक्सीडेंट तो पहला फिर बाद च भी मैं जाना स्टार्ट करता क्योंकि जे परमात्मा ने मैं इस योग बनाया कि तू डांस कर सकता चल सकता आम लोगों को मोटिवेट कर रहा मैं आम इंसान की तरह ही सारे काम कर रहा तो मैं यह काम क्यों ना करा जिन्हें मैंने जिंदगी दी है फिर मैं काम करना स्टार्ट किया लाइक मंदिर जाना वा अपना रोजाना वा इस वे उठता जिम जाना मंदिर जाना बच्चों मैं फ्री डांस सिखाना तो अपनी लाइफ इंजॉय करता बाकी शो करता उतों मेरी अर्निंग होंगी है तो बच्चों फ्री ट्रेनिंग देंगे हम तुम कि बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लैन तुहानू पता करोना का दौर चल रहा गवर्नमेंट ने बाकी ज़्यादा बच्चे नहीं अलाउड किए इस करके मैं नहीं फ्री सिखाना घट बच्चे है मैं फ्री सिखाना तो मैं अपनी अकॉर्डिंग जिन्हें कि लागे लागे पता टैलेंट बच्चे है उन्होंने मैं डांस वास्ते बुलाना काफ़ी वीडियो मेरे ना बच्चे कुड़ियाँ देखिया दो डांस कर दी मेरे ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डांस करना उन्होंने मैं बबलू जी मैंने ये दसो जी जो तुम नचते हो कि मन के विचार आते हैं छोटी डुप्लीकेट लत्ता उन्हें कि मन के विचार मैं इन्हों डुप्लीकेट नहीं समझता जिस जी लत्ता मैं इन्नी दूर दूर तक जाती है थोड़ा लोगों तक पहुँचाती है थोड़ा लोगों को दिखाती है जो लत्त हमने लादा तो मैं एक पॉइंट भी नहीं अगे जा सकता तो यह लत्त बिल्कुल मैं असली पैर मानता अपने जो मैं नचता मेरे दिमाग कभी नहीं आता हाँ दर्द मैंने बहुत होंगे लिमर तो ज़्यादा दर्द होंगे लेकिन मैं दर्द सह के मैं होंगे कि असली पैर है तो मैं असली वांग जीना अस देख रहे साइकिल भी बहुत वधिया चला रहे थे साइकिलिंग कि प्यार है साइकिलिंग का जनून आ गया खेडों में जाने का मन करता है कि मैं लाइफ एक होंगे इंसान ने यह चीज़ मिल गई बस करो डांस सीख लिया बस करो नहीं डांस कंटिन्यूस ऑन साइकिल मैं लाइफ से नवी नवी चीज़ें करता रहना लाइफ से अगे वधन की कोशिश करता आप नवा की कर सकते हैं तो नवा करोगे क्रिएट करोगे तो अगे वधोगे दुनिया सामने आओगे दुनिया तुम्हें वेखेगी दुनिया तुहाडे तो मोटीवेट होगे चार लोग ही होर अगे वधनगे मैंने ये दसो हुण भी रियलिटी शोज के ऑफर आ रहे हैं तुहानू हाँ सोशल मीडिया से फेमस होना मैंने रियलिटी शो के ऑफर आ रहे हैं तो लाइक लास्ट टाइम मैंने ऑफर आया थे अच्छे चैनल है लेकिन थोड़ा जहा करोना की वजह ना फिर उस कैंसल हो गया प्रोग्राम अगो देखो लाइफ की बनता है किन्ने अवार्ड हूँ तेजेस मिल चुके हैं अभी सारे अवार्ड मेरे देखे ने जिन्हें भी है सारे अवार्ड मिले ब्रेवरी अवार्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं लाइक ऐप से पार्टिसिपेट कर उतने अवार्ड मिले बाकी बहुत जल्दी मैं साइकिलिंग से गोल चक्कर लाइक क्लासिकल डांस गोल चक्कर लगते हैं वो करना स्टार्ट कर लगा मैक्सिमम साइकिल चलाना तो गोल चक्कर लाने हैं तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर चलाना आएगा मेरा लास्ट वाला मेरा अर्ज है बहुत सारे इस तरह के हादसे हो जाते हैं इंसान की लाइफ के जेद नो अपने अपाहिज हो जाता जा लाचार हो जाता बड़े लोग इस तरह के ने जो हौसला भी हार जाते हैं की संदेश देना चाहते हो बी पॉजिटिव अच्छा सोचो अच्छा करो तो अच्छा होगा लाइफ चाहे नहीं कोई हादसा हो गया जो अब वो तु ही आराम बैठ जाओ पॉजिटिव भी तुही हो नैगेटिव भी तुही हो
जे अपाहिज आप सोच लिया आप अपाहिज हाँ, जो आप अपाहिज नहीं है तो आप अपाहिज नहीं हाँ। जो आप मन कहते ना मन दे जीते जीता मन दे हारे हार, बस जो थोड़ा दिल करता उत्थे चलो। बॉलीवुड तीन भी पहुँच लियो, लास्ट सुपना की है रजेश का बनना की चाहता रजेश? रजेश यही करना चाहता कि जो लाइफ च रह गया वो करा डांस, अच्छा मुकाम हासिल करा, साइकिलिंग करनी स्टार्ट करी, खेडों में भी जावा तो मैं जाके विखावगा लाइक जो तक मेरी लाइफ से फिल्म बने लाइक उन चक मैं सुपर स्टार बन चुका हूँ तो मेरी लाइफ से एक अच्छी मूवी बने, लेकिन हजे नहीं टाइम पास। सो मेहरबानी रजेश जी। ऐसी रजेश जी जिन्होंने ट्रेन हादसे अपन दोनों लत्त दवाइया पर हौसले और बुलंदियों सोया है, सो एक मिसाल भी बन रहा उन्होंने वास्ते जे अपने आप में लाचार समझते हैं किसी हादसे के जो अपाहिज हो जाते हैं तो वो लाचार समझते हैं, पर रजेश उन्होंने वास्ते मिसाल बनया है। सलूट है रजेश के इस जज्बे को, उन्हों का सुपना जी उन्होंने जी लाइफ से एक फिल्म बनाई जाए और वो जी है फिल्म हमेशा उन्हां वास्ते स्नेहा दिंदी रहे, जिहड़े अपने आप नूं लचार समझदे ने अते जिहड़े हौसला चढ़ जांदे ने उन्हां नूं ओह प्रेरणा दे। सो मैनूं दिओ इजाजत, मैं हां तुहाडा दोस्त धर्मवीर गिल लाली, तुसीं जुड़े रहो हलचल टीवी कनेडा नाल।